गोल्डस्टीन ने एनोड रे को देखा भी और एनोड रे का नामकरण भी गोल्डस्टीन ने किया। तो गोल्डस्टीन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसने कैथोड रे का भी नामकरण किया और एनोड रे का भी नामकरण किया, और एनोड रे को उन्होंने एक नाम और दिया, केनाल रे। हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन में होता है। उस समय वो लोग नहीं जानते थे कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में होता है, तो नेगेटिव चार्ज तो जम करके बाहर आ सकता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं सेल के, लेकिन पॉजिटिव तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो पॉजिटिव तो इजेक्ट होकर बाहर आ नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस को टूटना पड़ेगा। न्यूक्लियस को तोड़ने का मतलब न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस अगर होगा तो ये तो ब्लास्ट हो जाएगा और सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट कहाँ होगा। उस समय लोगों को ज्ञात नहीं था, तब गोल्डस्टीन ने सोचा क्यों ना इसके अंदर लो प्रेशर पर हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कराया जाए। कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन H2 पार्टिकल से टकराए और H2 को H एटम में तोड़ा और H एटम को फिर से इलेक्ट्रॉन ने टक्कर मारी और इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी दी, तो H से फिर आयनाइजेशन हुआ और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गया, तो H प्लस आयन बचा। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कैथोड रे के साथ साथ एनोड की ओर को मूव करने लग गए, फाउंड H प्लस आयन कैथोड की ओर को मूव करे और वो परफोरेटेड कैथोड से आर पार होते हुए जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराए और चमक उत्पन्न करी। तो गोल्डस्टीन को महसूस हुआ कि एक रे एनोड की तरफ से आई है जो कैथोड की तरफ को चली है, उसका नाम उन्होंने एनोड रे या केनाल रे नाम। एक्चुअली H प्लस आयन एनोड से नहीं बनी थी, वो तो आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन के कारण अचीव हुई थी।